नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मोदी ने पहली बार अग्निवीर योजना पर खुलकर बात की है। सेना के जवानों और अफसरों के सामने अग्निवीर योजना को लेकर अफवाहें फैला रहे विरोधी दलों को जवाब दिया। मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेना में जवानों की एवरेज एज को कम करना है। पिछली सरकारों की तमाम कमेटियों ने इस योजना पर विचार किया लेकिन इसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना की मांग पर सेना को युद्ध के लिए हमेशा सक्षम बनाए रखने की नियत से अग्निपथ योजना लागू की गई है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। सरकार बार बार कह रही है कि अग्निवीरों को रोजगार दिलाने में वो मदद करेगी। बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहा चुकी है कि वो अपने यहाँ अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि यूपी पुलिस और पीएसी में भर्ती के दौरान अग्निवीरों को वेटेज दिया जाएगा, एक निश्चित संख्या उनके लिए आरक्षित की जाएगी। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि इन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि उनके यहाँ भी पुलिस और राज्य सशस्त्र बल में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने अग्निवीर अग्निपथ योजना को सेना की बेहतरी के लिए शुरू कर दिया है और उनकी सरकार भी अग्निवीरों को रोजगार देने में हर मुमकिन मदद करेगी। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी।